तो आ गए आप लोग। तो साना और सागर ने शादी करने का प्रैंक तो कर लिया। ये सब कुछ प्रैंक था, मजाक बना के रखते हो। प्रैंक था? अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, रोटना मनाना तो कर ही सकते हैं ना, तो उन लोगों ने वही शुरू कर दिया। हाय गाइस, गाइस अभी सेना पीछे में उदास होकर बैठा है, इसको मनाने जाऊंगा। ये इतना बोलता भी है, मुझे तो आज पता चला। हाय गाइस, सागर के मुँह में कौन सी चीड़े बुलवा दी भाई। सना क्या उदास होकर बैठा है, चलो घूमने जाता है, बम फुटाता। सना 5 दिन से खाना पीना नहीं खा रहा। क्या 5 दिन से खाना नहीं खाया? 5 दिन से खाना पीना नहीं खा रहा। कहीं साना की डाइटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं, साइड में उदास होकर बैठा है। अच्छा उदास है इसलिए वो खाना नहीं खा रही थी क्या? ऑब्वियसली, जब मैं उदास होता हूँ ना तो 4 रोटी ज्यादा खा लेता हूँ और बेचारे घर वाले भूखे रह जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस अभी सेना पीछे में उदास होकर बैठा है, इसको मनाने जाऊंगा। वीडियो बना रहा है तो वो क्यों उदास है वो तो बता के जब। नहीं, इसको मनाने जाऊंगा, बाद में उसको मना लेना। नहीं, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। सना क्या उदास होकर बैठा है, चलो घूमने जाता है, बम फुटाता है। इसका मनाने का तरीका आप लोगों को अजीब नहीं लगा? चलो घूमने जाता है, बम फुटाता है। अरे सागर ऐसे मनाएगा तो वो मानने की जगह ज्यादा बुरा मान जाएगी। सही बात है। वो तो छोड़ो, उसने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम उदास क्यों हो। एक काम कर सागर, कैमरा ऑफ कर दे, उसी बहाने बेचारी खुश तो हो जाएगी। कैमरा ऑफ कर दो। अरे नहीं नहीं, फिर हम रोस्ट किसको करेंगे। बात तो सही है सागर, तू कंटिन्यू रख। मैंने 4 इयर्स दिन रात मेहनत करके बनाया था वीडियो। मैं नहीं मानता। फोर इयर्स से वीडियो बना रही थी, इतना ज्यादा मेहनत करती थी तभी भी लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो ये ऑफ कर दे। अगर 4 साल से वीडियो बना ही रही हो तो एक और वीडियो बना लो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। ये ऑफ कर दे। इसने 4 इयर्स में वीडियो बनाने में क्या मेहनत की थी वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं मजा। तो मैं 18 साल की लड़की जो अभी तक सिंगल हूँ, बोले तो अगर मेरे लिए कोई लड़का सिंगल है तो कमेंट में आई लव यू बोल दो। क्या बात कर रहा है यार, प्लीज। चले चुप, अभी मौका है, प्लीज बोल दो। गो। मैं तुमको यस बोल दूंगी, सच में। ये ब्रेक मार, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। पर सागर ने ये सब सुन के क्या किया होगा। मैं तुमको यस बोल दूंगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या? तू चुप रे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ये तो कॉमन है कि नहीं। मैं तुमको यस बोल दूंगी, सच में। इसको मेहनत बोलते हैं क्या? इतना ज्यादा मेहनत करती थी। साना तो फिर भी थोड़ा हिल रही है, पर ये सागर तो पुतला बन के आया है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। अरे इसीलिए तो सागर को फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर से घूमने भी जाना है उसको। कुछ नहीं होगा, चलो घूम के आते हैं। मैं कैसे खुद को फिर से खड़ा करूंगी। दिख रहा है तेरे चेहरे पे, नौटंकी साली फिर से प्रैंक कर रही है। बहुत अजी एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। नहीं फिर से उठ पा रही हूँ गाइस। चुप, बिल्कुल चुप। अगर 5 दिन से खाना नहीं खाएगी तो वो खड़ी कैसे हो पाएगी? नहीं कर पाऊंगी मैं खुद को खड़ा फिर से। और सागर तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, उसको खड़े होने में हेल्प तो कर दे, तुझे घूमने जाना है कि नहीं? बम फोड़ने जाता बाहर, चलो। अब तो साना खड़ी होना चाहेगी तो भी खड़ी नहीं हो पाएगी। बम फोड़ने जाता बाहर, चलो। अरे सागर तुझे तो हेल्प करने बोला था ना, ये क्या कर रहा है तू? बम फोड़ने जाता बाहर, चलो। सागर सोच रहा होगा कि तू बम फोड़ने चल रही है कि नहीं, नहीं तो मैं तेरे घुटने ही फोड़ दूंगा। तू बोल रही है कि वीडियो नहीं बना पाएगी, और वो भी तू वीडियो में ही बोल रही है। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मुझे तो लग रहा है कि सागर से ज्यादा वीडियो बनाने की इच्छा तुम्हें है। नहीं बना पाऊंगी फिर से वीडियो। बेचारे सागर को तो सिर्फ घूमने जाना है और पटाखे फोड़ने हैं। चलो घूमने जाता है, बम फुटाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरा लाइफ खत्म हो चुका है। क्या बोल रहे हो तुम? बेचारा सागर सोच रहा होगा कि ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, अब क्या बोलूं मैं। मेरा लाइफ खत्म हो चुका है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरा एक चुटकी में खत्म हो गया। अरे ऊपर देख के किसको बता रही है? एक चुटकी में खत्म हो गया। अरे ऊपर किसी को बता थोड़ी रही है, ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो पढ़ रही है। कैसे फिर से वीडियो
बनाओ। होगा, रोने नहीं चाहिए, चलो। बेचारा सागर सही बोल रहा है, अब तो ऊपर की स्क्रिप्ट भी खत्म हो चुकी है। होगा, चलो। अब तो बाहर जाके बम फोड़ ले। मैं कुछ भी फिर से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। अब तो साना को कुछ भी स्टार्ट करने बोलो ना, तो यही बोलेगी कि मैं फिर से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। अरे पानी खत्म हो गया है, उठो चारों पड़ में। मैं फिर से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। अरे बहुत गर्मी लग रही है, उठ के जरा पंखे की स्विच तो चालू कर दे। दे शर्म, शर्म करो शर्म। अगर कुछ खड़ा होके करना होगा तब ये क्या बोलेगी? अरे विंटर खत्म हो गया, अब तो थोड़ा अच्छे से भाग के आओ। जब शादी में मेकअप लगा के जाना होगा तब ये मैडम क्या बोलेगी? मेकअप तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, मेकअप तो मैं लगाऊंगी अपने ठोकरे में। हाँ, तब सारी एनर्जी आ जाएगी तुझे। आई लव मेकअप। कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मेरा कैसा हाल है? हाँ तो बता दो ना कैसा हाल है, किसी ने रोका थोड़ी है। तुझे कैसा लग रहा है वो किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है, कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? चलो बम फोड़ते हैं, चलो। बेचारा सागर कब से बोल रहा है कि बम फोड़ना है, बम फोड़ना है, पर ये बम फोड़ने दे तब ना। चलो बम फोड़ते हैं, चलो। जब तुझे सागर ही सीरियस नहीं ले रहा है तो लोग कैसे सीरियस लेंगे? वो थोड़ी ना चोरी चकारी कर रही है, हमें तो रोस्टी कर रहे हैं ना, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं। समझ करना गाय, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना मेरा दिल का हाल आप लोगों को पता चलेगा। तुम स्कूल से भागने का प्रैंक करते हो, शादी करने का प्रैंक करते हो, फिर लोगों से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें समझेंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पोसिबल। सही पकड़े हैं, सब लोग को लगेगा एक लड़की बस यही हुई बक रही है। तो सही बोल रही है साना, मैं भी तो यही बोलने वाली थी ना। एक लड़की बस यही हुई बक रही है। सिर्फ हमें ही नहीं, सागर को भी बेचारे को यही लग रहा होगा। एक लड़की बस यही हुई बक रही है। मैं जानती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। अरे नहीं जानना है यार कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। बेचारा सागर सोच रहा होगा कि मेरा तो बम फोड़ने का प्लान ही खराब कर दिया। तो हम बाहर में लेके जाने जाऊंगा बम फुटाने के लिए, चलो चलो। अरे ये तो खड़ी हो गई। अरे अभी तो तू बोल रही थी ना कि तू खड़ी नहीं हो पा रही है। A few inches later. चल चलो। ये जिंदा है। मिरेकल। खाना पीना सब छोड़ दिया है घर का। घर का खाना नहीं खा रही है? खाना पीना सब छोड़ दिया है घर का। खाना पीना सब छोड़ दिया घर का। क्यों, घर का खाना पसंद नहीं आता है क्या? अरे कुछ नहीं, वो बाहर जाके मोमोज खा लेती होगी। शर्म करो शर्म। मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे घर के अंदर ही रहना है सागर। अरे सागर उसको बाहर नहीं जाना है तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लो ना, वो पक्का खा लेगी। सही पकड़े हैं। खाना पीना सब छोड़ दिया घर का। साना खाना खाए या ना खाए, सागर बम फोड़े या ना फोड़े, उससे घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। साना सागर का ये वीडियो हमें सच्चाई से ज्यादा प्रैंक लगा, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताना। आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बता देना कि और कौन से टॉपिक पे हम रोस्ट वीडियो बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए तो धन्यवाद, पर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। तुम मेरे हो, मेरी ही रहना, किसी और का होने का ट्राई भी मत करना।